आप सब जानते हैं कि हमारा बदोमली का एरिया, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल का ये जो एरिया है, ये गंदम का एरिया नहीं है। ये एरिया जो है, ये शटाला और मूंजी की फसल इसमें ज़्यादातर काश्त की जाती है। बदोमली और शमसा और इसके करीब थली मलियाँ, नागरा और ये बिलो वाली, ये जितने भी हमारे गांव हैं इधर, इसमें मोस्टली फसल जो है वो शटाले की और मूंजी की काश्त की जाती है। तो गंदम का चूँकि ये एरिया नहीं है, लिहाजा फिर भी हमने जहाँ 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ गंदम काश्त की हुई है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कम वक्त के साथ, जैसे कि रवायती तरीका है दांती के साथ गंदम को काटना, तो जो बड़ा डिफ़िकल्ट गर्मी के मौसम के अंदर और लंबा प्रोसेस है, 10-10 बंदे एक एक दिन के अंदर 1 एकड़ की कटाई करते हैं। तो मैंने जब YouTube के चैनल से, एग्रो पावर से मैंने इस मशीन को देखा, तो मैं बहुत मुतासर हुआ। मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ से एग्रो पावर गजूमता लाहौर से जो है ये मशीन ख़रीदी जाए। तो ये ख़रीद जब मैंने ख़रीद ली थी, कीमत इसकी थी मशीन की, जब मैंने ख़रीदी थी उसकी कीमत 2,80,000 थी, ठीक है। तो ये दानिश साहब ने हमें इसके मतलब बताया, जो एग्रो पावर के ऑनर हैं, उन्होंने हमें बताया और हमने ये इस मशीन को ख़रीदा और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इससे अपनी गंदम की कटाई कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने शटाले की फसल जो है वो अपने जानवरों और माल मवेशियों के लिए, हम शटाला वगैरह जो था वो हम इससे काटते थे। तो लिहाजा बात यह है कि इस वक्त लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन टाइम की कमी है। और बहुत YouTube चैनल के ऊपर, आप किसी भी चैनल के ऊपर जाएं तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस मशीन को, मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ ब्रांड की मशीनें जो हैं वो बेच रहे हैं, लेकिन हमी रैपर जो है एग्रो पावर वालों का, इसका मैं समझता हूं कि अगर दूसरे रैपर से कंपैरिजन किया जाए तो ये रैपर अपनी कारकर्दगी के अंदर, इसकी फ्यूल कंजक्शन और पेट्रोल की जो इसकी है कंजक्शन, उसके अंदर ये दूसरे रैपर से कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। तो हमारा किसी और फर्म का या कंपनी का, क्योंकि मैं किसी फर्म का, कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं ख़ुद एक काश्तकार हूं और एक डॉक्टर हूं पेशे के लिहाज से, तो मैं ये बात समझता हूं कि अगर बंदा कोई भी चीज़ ख़रीदे तो हमेशा ब्रांड की ख़रीदनी चाहिए। तो ब्रांड में से इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान में नंबर 1 ब्रांड जो है वो इनका एग्रो पावर वालों का है। गजूमता, ये वो नाले के ऊपर इनका, इनकी शॉप है जहाँ से हमने इसको ख़रीदा था। तो लिहाजा आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर लोगों के कहने के अंदर ना आएँ, और ये कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, एक सीज़न के अंदर ये ना सिर्फ कि आपकी फसल के पैसे पूरे कर देगा कटाई के ऊपर, बल्कि अगर आप इसको प्रोफेशनल तरीके से चलाना चाहते हैं, दूसरे लोगों की कटाई करना चाहते हैं, तो ये रैपर आपको जो है वो इनकम भी देगा। तो जज़ाकअल्लाह, हमारा काम किसी फर्म या किसी कंपनी की तशहीर करना नहीं, बल्कि अच्छे ब्रांड की तशहीर करना तो हर काश्तकार का और हर इंसान का हक बनता है। तो लिहाजा मेरी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस मशीन को ख़रीदें और अल्लाह ताला का नाम लेकर इसको इस्तेमाल करें। पहले गियर के अंदर थोड़ी सी स्पीड आस्ता होती है काटने की, वो आप उससे बंदे को थोड़ा सा सांस वगैरह भी नहीं फूलता और बंदा नॉर्मल तरीके से काट लेता है, और अगर दूसरे गियर के अंदर और थोड़ी सी रेस दी जाए तो फिर ज़रा टांगों के अंदर ताकत आपको पता होना चाहिए और स्टेमिना भी होना चाहिए चलने के लिए। तो ये बेहतरीन ब्रांड है, बेहतरीन मशीन है, आप लोग ख़रीदें और जनाब कटाई का मज़ा लें। जज़ाकअल्लाह। सारे पंजाबी बोल।